मौलवीगंज परिसरातून अज्ञात चोरट्याने दुचाकी चोरून केला पोबारा। मौलवीगंज परिसरात इच्छी शॉपिंग करण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीची मोटरसायकल चोरी झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे। या प्रकरणी आझादनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे। सविस्तर वृत्त असे की ईद निमित्त चांद्राच्या दिवशी मोहम्मद अली अब्दुल लतीफ हे मोटरसायकलने मौलवीगंज परिसरात शॉपिंग करण्यासाठी गेले होते। त्यांनी त्यांची दुचाकी स्प्लेंडर प्रो MH18AH0959 ही मौलवी गंज परिसरात लावली होती। ही दुचाकी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे। या चोरट्यांच्या सर्व हालचाली परिसरात लावलेल्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाल्या आहे। या प्रकरणी मोहम्मद अली अब्दुल लतीफ यांनी आझादनगर पोलीस ठाण्यात या संदर्भात तक्रार दिली आहे। त्यावरून आझादनगर पोलिसांतर्फे या चोरट्यांचा शोध सुरू करण्यात आल्याची माहिती पोलीस प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे। धुळ्याहून अब्दुल रहमान मलिक यांची रिपोर्ट। मैं मोहम्मद अली अब्दुल, मेरा नाम मोहम्मद अली अब्दुल लतीफ है। मैं मौलीगंज में कुछ सामान के 21 तारीख रात्रि कुछ सामान के लिए मौलीगंज गया और उस गर्दी में एक साइड में गाड़ी अपनी लगा दिया और कुछ सामान कुछ 15-20 मिनट के टाइम के बाद जब मैं वापस आया सामान लेने लेकर उस जगह पे, तो मेरी गाड़ी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके बाद मैं कुछ घंटा वहाँ इंतज़ार किया कि हो सकता है कि भूल चूक से कोई ले गया हो। 12 बजे तक मैं वहाँ परेशान रहा। उसके बाद दूसरे दिन ईद था। ईद के दिन मैं पुलिस मच्छी बाज़ार में गया तो एक कंप्लेन लिए वो बोले हम देख रहे हैं। फिर वहाँ जो बाजू में CCTV कैमरा था वहाँ पे हमने चेक किए, उस वीडियो में वो चोर बाकायदा गाड़ी को लेकर गायब हुआ। फिर उस वीडियो को लेकर हम मच्छी बाज़ार में गया तो पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वाले बोले कि हम जल्द से जल्द तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे हवाले कर देंगे।